हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल न्यू टेक्निकल क्लासेस में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो आज आज का वीडियो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आज की हमारी 5वीं क्लास है हिस्ट्री की। अगर आपने हमारे पिछली पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको देखिए। और आज का क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो पिछली क्लास में हमने देखे थे 192 क्वेश्चन। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 193 से। तो आज की वीडियो शुरू करते, बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। 193 क्वेश्चन से देखते हैं। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश ने कराया? सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट वंश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंजौर के प्रसिद्ध वृद्धेश्वर मंदिर जिसका अन्य नाम राज राजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया? सही आंसर हो जाएगा चोल शासक राजराज प्रथम ने। इन्हीं के नाम पर इस मंदिर को राज राजेश्वर शैव मंदिर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? सही आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री कृष्ण किस कबीले के थे? सही आंसर हो जाएगा वृषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण कृष्ण का उल्लेख कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम किस उपनिषद से मिलता है? तो आंसर हो जाएगा छंदोग्य उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, विष्णु के 10वें अवतार विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किस पुराण से मिलता है? तो आंसर हो जाएगा मत्स्य पुराण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में विष्णु का कौन सा अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था? सही आंसर हो जाएगा वराह। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैष्णव धर्म के अनुसार ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या माना जाता है? सही आंसर हो जाएगा भक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओंकार वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा कंबोडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? सही आंसर होगा ओंकार वाट का मंदिर, जो कि कंबोडिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओंकार वाट मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? सही आंसर हो जाएगा राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने। राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? सही आंसर हो जाएगा हजरत मोहम्मद साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब और कहाँ हुआ? सही आंसर होगा 570 ईस्वी में मक्का में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम क्या था? सही आंसर हो जाएगा अब्दुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजरत मोहम्मद साहब की माता का नाम क्या था? तो सही आंसर होगा अमीना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? सही आंसर होगा मक्का के पास हीरा नामक गुफा में। हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति मक्का के पास हीरा नामक गुफा में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिजरी संवत किसके द्वारा चलाया गया? सही आंसर हो जाएगा पैगंबर हजरत मोहम्मद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद की पुत्री का नाम क्या था? मोहम्मद की पुत्री का नाम क्या था? सही आंसर हो जाएगा फातिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद के दामाद का नाम क्या था? सही आंसर हो जाएगा अली। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैगंबर मोहम्मद साहब
कुरान अरबी भाषा में किसने संप्रेषित किया? पैगंबर मोहम्मद साहब को, पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में किसने संप्रेषित किया? देवदूत जिब्रियल ने। सही आंसर हो जाएगा देवदूत जिब्रियल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? सही आंसर हो जाएगा कुरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजरत मोहम्मद साहब को मृत्यु के पश्चात कहां दफनाया गया? सही आंसर हो जाएगा मदीना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद साहब की मृत्यु के पश्चात इस्लाम धर्म कितने भागों में विभाजित हुआ? सही आंसर हो जाएगा दो भागों में, उन्नी तथा सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम पैगंबर मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र किसने लिखा? सही आंसर हो जाएगा इब्न इसाक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? सही आंसर होगा ईद ए मिलाद उन नबी। पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? ईद ए मिलाद उन नबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में इस्लाम धर्म का आगमन किनके द्वारा हुआ? सही आंसर हो जाएगा अरबों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुसलमान नमाज पढ़ते समय अपना मुख किस दिशा की ओर, किस दिशा की ओर, किस दिशा की ओर करते हैं? सही आंसर हो जाएगा मक्का की ओर, मक्का की ओर मुख करके मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मक्का किस दिशा की ओर पड़ता है? सही आंसर हो जाएगा पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्का की ओर की दिशा को क्या कहा जाता है? सही आंसर होगा किबला। मक्का की ओर जो दिशा होती है उसे कहा जाता है किबला। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसाई धर्म के संस्थापक कौन है? सही आंसर हो जाएगा ईसा मसीह। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा बाइबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? सही आंसर हो जाएगा जेरूसलम के निकट बेतलेहम नामक स्थान पर। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? जेरूसलम के निकट बेतलेहम नामक स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसा मसीह के जन्म दिवस को किस पर्व के रूप में मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा क्रिसमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसा मसीह के पिता का नाम क्या था? सही आंसर होगा जोसेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसा मसीह की माता का नाम क्या था? सही आंसर हो जाएगा मैरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसा मसीह के प्रथम दो शिष्य कौन थे? सही आंसर हो जाएगा एंड्रूज एवं पीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसा मसीह को सूली पर किस रोमन गवर्नर द्वारा चढ़ाया गया? सही आंसर हो जाएगा पोटियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्या है? सही आंसर हो जाएगा क्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसाई धर्म में चर्चों के निर्माण में किस शैली, ईसाई धर्म में चर्चों के निर्माण की शैली को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा गौतिक शैली।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ये आंसर हो जाएगा पैगंबर जरथुष्ट ईरानी, ये ईरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारसियों का धार्मिक ग्रंथ क्या है? सही आंसर हो जाएगा जेंदा अवेस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है? हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, तो आंसर होगा 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सही आंसर होगा सूत कांगडोर से। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सूत कांग दौर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो आंसर हो जाएगा कांस्य युग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सही आंसर हो जाएगा व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सही आंसर होगा पक्की ईंटों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? सही आंसर हो जाएगा कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग माप तौल से परिचित थे, यह खोज कहाँ पर हुई? सिंधु घाटी के लोग माप तौल से परिचित थे, यह खोज कहाँ पर हुई? सही आंसर हो जाएगा लोथल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की समाजवादी पद्धति क्या थी? सही आंसर हो जाएगा उचित समतावादी। हड़प्पा सभ्यता की समाजवादी पद्धति क्या थी? उचित समतावादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंध का नकलिस्तान हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? सिंध का नकलिस्तान हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? सही आंसर हो जाएगा त्रिभुजाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? सही आंसर होगा कालीबंगा गुजरात से। जोते हुए खेतों का प्रमाण कालीबंगा गुजरात से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंदव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? सही आंसर होगा कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सही आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, दशराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? दस राज्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में? सातवें मंडल में। तो ये आंसर होगा सातवें मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था? सही आंसर हो जाएगा परुषणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में मनके बनाने का कारखाना कहाँ मिला है? तो ये आंसर हो जाएगा लोथल एवं
से। फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें देखिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।